शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में लोगों की भीड़ रहती है, जिससे कई बार लोगों का सामान चोरी होने की घटनाएं भी पेश आती है। आईजीएमसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि अस्पताल में सुरक्षा कर्मी हर समय अपनी नजर बनाए रखते हैं, लेकिन लोग भी अपने सामान का स्वयं ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अस्पताल में देखा गया है कि कई बार रात को सोने के लिए बाहर काम करने वाले मजदूर भी आ जाते हैं। ऐसे में प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि जो लोग अस्पताल का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें अस्पताल में रुकने नहीं दिया जाएगा। वहीं वार्ड में भी वही लोग रह सकते हैं जिनके पास बने हुए हैं। सर, यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते मरीज और उनके तीमारदार की संख्या बहुत अधिक रहती है। भीड़ भाड़ के बहुत क्षेत्र हैं, जैसे ओपीडी का ब्लॉक हो गया, पर्ची काउंटर हो गया, इन्वेस्टिगेशन का एरिया हो गया, वहाँ पे बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना सामान का अपना ध्यान रखें, और हमारे सिक्योरिटी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो सिविल ड्रेस में भी और ड्रेस में भी पूरे अस्पताल में घूम रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक और व्यवस्था यहाँ पे लागू की है कि वार्ड में अनाधिकृत तौर पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसको भी अधिकृत पास दिया गया है, मात्र वही व्यक्ति और एक मरीज के साथ केवल एक ही अधिकृत जो तीमारदार है वो अस्पताल में रह सकता है। और अक्सर इस अस्पताल में देखा जाता है कि शाम के समय में लोग सोने आ जाते हैं, तो जिसमें से बहुत बार हमने ऐसा भी पाया है कि वो अस्पताल से संबंधित कोई मरीज नहीं होते, बल्कि इर्द गिर्द काम करने वाले लोग भी शरण के चक्कर में यहाँ अस्पताल में आ जाते हैं। तो हमने उस पर सख्त रवैया अपनाया है। जिसके पास भी अस्पताल का कोई वैध कागज़ नहीं होगा, उसको हम 7 बजे के बाद अस्पताल के किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्थान में उसको वहाँ रुकने की अनुमति नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।